हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सएल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस यूनिक सी वीडियो में मैं आपके लिए एक यूनिक और खूबसूरत फॉर्मूला लेकर आया हूं और उस फॉर्मूले का नाम है एवरेज ए। जी हां, एवरेज ए। एवरेज ए एक ऐसा खूबसूरत फॉर्मूला है जो कि आपका एवरेज ही कैलकुलेट करके देता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, ये उससे भी और बेहतर तरीके से आपको एवरेज कैलकुलेट करके दिखाएगा। चलिए इसको सीखते हैं। उसके लिए मैंने किया क्या है कि अपनी इस एक्सेल की शीट के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लिया हो, जहां पर मैंने कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स लिए हुए हैं, जिनमें से अरमानी है, एडिडास है, कैमल गोरी है, डीजल है, ब्लू बर्ड है, और इन इन शर्ट्स के कितने प्राइस हो सकते हैं ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये इन ब्रांडेड के सबसे लोवेस्ट प्राइस में से एक है। जी हां, तो अरमानी की एक शर्ट की कीमत 660 रुपए है, डीजल की एक शर्ट की कीमत 980 रुपए है। इस तरीके से सभी शर्ट्स की कीमत मैंने यहां पर लिखी हुई है और साथ ही साथ टोटल मैंने यहां पर 9 शर्ट्स परचेज किए हैं, जिनमें से 9 शर्ट को परचेज करने के लिए टोटल मैंने 6140 अमाउंट पे किया है। अब यहां पर मैंने एक शर्ट की कीमत अलग अलग जरूर पे की है, पर अगर मुझे इनका एक रेशो देखना हो तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एवरेज फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, जहां पर मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू टाइप करूंगा और एवरेज टाइप करूंगा, और एवरेज टाइप करने के बाद मैं अपने उन सभी एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा जिनके अंदर मैंने कोई नंबर्स लिखा हुआ है और उनका मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, जो कि D4 से लेकर D12 के बीच में। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो होगा क्या कि एवरेज जो है वो इनका आ जाएगा। अब ये जो एवरेज आया हुआ है वो इसलिए आया हुआ है क्योंकि मैंने इन सभी सेल्स के अंदर नंबर लिखा हुआ है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एवरेज फॉर्मूला सिर्फ उन सेल्स का आपको एवरेज कैलकुलेट करके देता है जिन सेल्स के अंदर आपने नंबर्स लिखा हुआ होता है। अगर नंबर्स के बदले कुछ अलग एंट्री हुई होगी, लाइक टेक्स्ट होगा या स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो एवरेज फॉर्मूला उसको इग्नोर कर देगा। अगर आपको मैं ये नॉर्मल तरीके से करके दिखाऊं तो कैसे किया होगा, इज इक्वल टू, इसने क्या किया, जितना आपने टोटल अमाउंट परचेज किया है, टोटल रुपए पे किए हैं, उसको जितने टोटल शर्ट्स के लिए पे किए हैं, आपने 9 शर्ट्स को खरीदे हैं, तो मैंने यहां पर टाइप किया 9 और उसके बाद एंटर कर दिया, तो ये मैनुअल तरीके से एंट्री भी आ गई। एवरेज और मैनुअल दोनों सेम देख रही होंगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल एवरेज कैलकुलेशन। अगर मैं आप यहां इनके बीच में कोई टेक्स्ट की एंट्री कर देता हूं तो एवरेज फॉर्मूला क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। यानी कि अब जब ये एवरेज कैलकुलेट करेगा तो 9 में से सिर्फ और सिर्फ 8 सेल्स को काउंट करेगा। देखें, मैंने यहां पर टाइप कर दिया यू, ये देख रहे हैं आप। अब क्या हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 सेल्स की एंट्री हुई। यहां पर 9 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहां पर जो अमाउंट सिलेक्ट किया है वो 5570 है, भले ही कैलकुलेट होकर कम हो गया लेकिन मैंने यहां पर 9 सिलेक्ट किया। अगर मैं यहां पर 8 कर दूंगा तो ये आपस में मैच करने लग जाएंगे। बट अगर मैं चाहूं कि जब एवरेज कैलकुलेट हो तो मेरे इन डेटा के बीच में से मेरे अल्फाबेट वाले सेल्स को भी काउंट करे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज ए फॉर्मूला यूज करूंगा। देखते हैं, एवरेज ए, ये देख रहे हैं आप 618। जहां पर क्या हुआ कि जब मैंने यहां पर एवरेज कैलकुलेट किया तो इसने क्या किया कि इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया जिनमें से जितना इनका अमाउंट टोटल बैठा, जैसे 5570 बैठा है, वो कितने शर्ट्स को पे करने के लिए या कितने शर्ट्स को खरीदने के लिए मैंने पे किया, उतने से इसने डिवाइड किया है। अब यहां पर मैंने 5570 जो है वो 8 शर्ट को खरीदने के लिए पे किया है, आप देख रहे हैं, क्योंकि एक शर्ट के अंदर से मैंने प्राइस को हटा दिया, तो उतना एवरेज जो है कैलकुलेट होकर यहां आया है। अब अगर मैं इसको इंक्लूड कर देता हूं तो इतना आया। जैसे मैं इसको मैनुअल करके दिखाता हूं आपको, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 8। अब मैं 8 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर सिर्फ 8 सेल्स ही ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर्स लिखा हुआ है। बट मुझे क्या करना है कि आपको अल्फाबेट वाले सेल्स को भी काउंट करवाना है, तो मैं नॉर्मल ना करते हुए एवरेज ए के लिए यहां पर 9 यूज करूंगा और आप देखेंगे कि मेरे ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। ये एक खूबसूरत सा फॉर्मूला है जो कि आपको बताता है एक नॉर्मल एवरेज कैलकुलेशन में और एक
टेक्स्ट के साथ एवरेज कैलकुलेशन में क्या अंतर होता है। जब आप एक नॉर्मल एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है कि आपका एवरेज फॉर्मूला उन सभी सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर लिखा होता है, लेकिन जब आप एवरेज ए फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपका एवरेज ए फॉर्मूला नंबर्स के साथ साथ उन टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है जो आपके डेटा के बीच में से होते हैं, उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करता है। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है और बहुत ही शानदार फॉर्मूला है जो कि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप ऐसे ही खूबसूरत फॉर्मूलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूनिक फॉर्मूलाज हर एक वीडियोस में लाता रहता हूं। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियोस को लाइक शेयर कॉमेंट सब कुछ करें, सब कुछ। तब तक के लिए गुड बाय।